हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वैसे बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीईटी की नई परीक्षा की तारीख के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके बारे में बहुत सारी अपडेट आप सभी को दी जाएगी। साथ ही नई यूपी टीईटी की परीक्षा की तारीख को लेकर भी जानकारी पीएनबी सचिव के माध्यम से देखने के लिए मिल रही है। तो वीडियो को पूरा देखें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सुपर टीईटी 2022 में अगर आप सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर 130 प्लस नंबर लेना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट बुक, जो कि एक आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो 100% आपके जो नंबर है वो 130 प्लस होंगे। इस बुक की खास बात यह है कि इसको आपके पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर को भी रखा गया है। डिटेल में आपको सॉल्यूशन भी देखने के लिए मिलेगा। हर क्वेश्चन की आपको उत्तरमाला देखने के लिए मिलेगी जो कि सटीक होगी। सटीक उत्तरमाला के साथ साथ व्याख्यात्मक आंसर भी दिए गए हैं, जिससे कि आपको डिटेल भी पता चले और थ्योरी से भी आप सभी पढ़ सके। इतना ही नहीं, इस बुक के अंदर आपको मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में संभावित है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप ऑफलाइन किसी भी मार्केट से जाकर ले सकते हैं अपने नजदीकी स्टोर से। अगर आप चाहें तो इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों को परचेज करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में धरना प्रदर्शन जारी है। छात्रों की मांग है कि सरकार जल्दी से जल्दी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दे। पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी सड़कों पर बैठे हुए हैं। देर रात तक अभ्यर्थी इको गार्डन के अंदर बैठते हैं, तो कभी कैंडल मार्च निकालते हैं, तो कभी यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास को घेर लेते हैं, कभी छात्रों की तरफ से सड़कों पर जाकर नारेबाजियाँ की जाती हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। भर्ती दो शिक्षा मंत्री होश में आओ 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो। योगी जी होश में आओ शिक्षा मंत्री होश में आओ 97,000 शिक्षक भर्ती जारी करो। लेकिन बावजूद इसके, इन तमाम प्रयासों के बावजूद अगर देखा जाए तो छात्रों की संख्या बल काफ़ी ज़्यादा कम है, और इसका जो नुकसान देखने के लिए मिलेगा वो सिर्फ इन छात्रों को नहीं होगा, प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों को भी झेलना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूपी टीईटी की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई थी, लेकिन अगर यूपी टीईटी की परीक्षा जल्द नहीं करवाई गई तो छात्रों के लिए एक बड़ा नुकसान और हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले चुनाव से पहले आचार संहिता लगी तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बड़ा झटका देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिली यूपी टीईटी की नई परीक्षा की तारीख को लेकर। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी इस वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। सारी जानकारी आप सभी को दी जाती है, इसलिए लाइक अवश्य किया करें। यूपी टीईटी की नई परीक्षा की तारीख को लेकर पीएनबी की तरफ से जानकारी निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक अगर देखें तो आपकी परीक्षा काफ़ी देर में आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पहले यहाँ पर सीएम की तरफ से कहा गया था कि एक महीने में करवा लेंगे, बाद में बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कहा गया कि एक महीने के अंदर परीक्षा करवा ली जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए पीएनबी की तो उनके आधार पर जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि यूपी टीईटी की जो परीक्षा वो काफ़ी देर में करवाई जाएगी। जानकारी निकल कर आ रही है, न्यूज एजेंसी के माध्यम से दावा किया गया कि यूपी टीईटी 2021 की जो परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी 20 से लेकर 25 जनवरी के बीच में यूपी टीईटी 2021 की जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। सोशल मीडिया पर ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो अभी तक कोई भी नया प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजा गया है, क्योंकि अगर ऐसी कोई जानकारी होगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए यूपी टीईटी 2021 की नई परीक्षा की तारीख को लेकर 20 से 25 जनवरी के बीच में कराए जाने को लेकर जानकारी निकल कर आ रही है, और अगर ऐसा होता है तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती ही नहीं यूपी टीईटी वाले छात्रों को भी झटका होगा, क्योंकि आगामी समय के अंदर अगर 20 से 25 को आपकी परीक्षा होती है, एक महीने के अंदर आपका परिणाम जारी होगा, मतलब कि फरवरी के अंदर, और फरवरी के बाद आप सभी जानते हैं कि 110% यहाँ से
आपकी जो आचार संहिता ही नहीं चुनाव भी शुरू हो जाएंगे मार्च के अंदर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीचे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से टीईटी 2021 की तैयारियां तेज पकड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उसी को लेकर जानकारी लिखी हुई है कि 20 से लेकर 25 जनवरी के बीच में यूपी टीईटी की परीक्षा को लेकर यहां से जो आसार है वो दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर जानकारी 1 से 2 दिनों के अंदर तय कर दिया जाएगा। मैंने कल भी आप सभी को बताया था कि 1 से 2 दिनों के अंदर यूपी टीईटी की नई परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन नई तारीखों को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। उसी को लेकर नीचे लिखा है कि पीएनपी ने जहां एक तरफ भाषा विशेषज्ञों के प्रश्न पत्र को बनवाने का काम शुरू कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ परीक्षा केंद्रों का निर्धारण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रमुख सचिव की तरफ से जारी शासन आदेश के माध्यम से सभी जिला के डीएमओ को यहां पर जानकारी दी गई है कि वो किस प्रकार यह परीक्षा केंद्रों को बनाया जाए। उसी को लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि जनपद स्तर पर गठित समिति के माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो भी परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए थे उनका यहाँ पर दोबारा से जाँच की जाए और अगर आवश्यकता बढ़े तो उनके अंदर बदलाव भी कर दिया जाए। लेकिन अगर बात की जाए टीईटी की परीक्षा की तारीख को लेकर इस समाचार पत्र के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि 20 से 25 तारीख के बीच में आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। अगर परीक्षा 15 जनवरी के बाद नहीं हो पाती, 20 तारीख से पहले नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं छात्रों को एक बड़ा झटका देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूपी टीईटी परीक्षा हो जाने के बाद 1 महीने का समय यहां पर पीएनबी की तरफ से लिया जाएगा परिणाम को घोषित करने के लिए। और अगर 1 महीने के बाद अगर परिणाम आपका घोषित होता है तो उसके बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, ये भी आप सभी के मन में सवाल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की मांग की जा रही है। और ऐसे में यूपी टीईटी की परीक्षा को लेकर समाचार पत्रों का दावा है कि 20 से 25 को होगी, हालांकि अभी तक अंतिम मोहर नहीं लगी है। परीक्षा 14 जनवरी के बाद यहाँ पे करवानी जानी चाहिए और 20 तारीख से पहले ये परीक्षा होनी चाहिए। यही आवश्यक होगा कि यहाँ पे पीएनबी के ऊपर दबाव बनाया जाए कि 14 से लेकर 20 तारीख के बीच में परीक्षा हो जाए, जिससे कि जनवरी के अंत में इसका परिणाम घोषित हो जाए। अगर जनवरी के अंत में परीक्षा होगी तो फरवरी में परिणाम घोषित होगा और उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा झटका लग जाएगा, क्योंकि लगातार छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है कि यूपी टीईटी से पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इसको लेकर भी कोई जानकारी नहीं दी गई। छात्र धरना प्रदर्शन तो कर रहे हैं लेकिन संख्या बल कम होने की वजह से यहाँ से कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे करके चुनावी आचार संहिता का समय नज़दीक आता जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस बात का छात्रों को डर था कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से यूपी टीईटी को इसीलिए रद्द किया गया था जिससे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी न करना पड़े, वो कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूपी टीईटी की परीक्षा को बेमतलब में इतना कहीं ना कहीं डिले किया जा रहा है पीएनबी सचिव की तरफ से। जो परीक्षा दिसंबर के अंत में करवाई जा सकती थी उसको जानबूझकर जनवरी के अंत में भेजा जा रहा है। अब ऐसे में कहने के यूपी टीईटी की परीक्षा की तारीख के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करेगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। अभ्यर्थी भी कहने के एकजुट दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते सरकार के ऊपर दबाव नहीं बना पा रहे हैं। धरना प्रदर्शन तो किया जा रहा है लेकिन अभी तक धरना प्रदर्शन का कोई भी फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों की संख्या आप सभी यहाँ पे उंगलियों पे गिन सकते हैं, इतने कम अभ्यर्थी हैं। हालांकि जो अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं उनको आप सभी यहाँ से देख सकते हैं, सिर्फ इतने अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं शासन प्रशासन यूपी टीईटी की परीक्षा को जानबूझकर इतना डिले किया जा रहा है जिससे कि अभ्यर्थी यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करें तो उनकी तरफ से कह दिया जाए कि हमारे पास यूपी टीईटी की परीक्षा के बाद समय कम है। बाकी इसके बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि छात्रों को पहले से ही डर था कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वजह से यूपी टीईटी को आगे बढ़ा दिया गया है या फिर डिले किया जा रहा है। बाकी अगर यूपी टीईटी की परीक्षा ज़्यादा डिले होती है तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले छात्रों के लिए एक बुरी खबर होगी, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिल भी रही है। लेकिन अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा कि नहीं, इसको लेकर कुछ भी कह पाना बता पाना अभी तक मुश्किल है, क्योंकि ना तो यूपी टीईटी की परीक्षा हुई है ना ही किसी अधिकारियों के माध्यम से कोई जानकारी निकल के आ रही है। हालांकि मंत्री जी विधायक की तरफ से या फिर इनकी तरफ से झूठे मूठे बयान तो दे दिए जाते हैं, जिसकी जानकारी मैं आप सभी को दे देता हूँ, क्योंकि उनका काम बयान देना है, मेरा काम जानकारी देना। लेकिन जब तक विज्ञापन जारी नहीं हो जाता तब तक इन बयानों के ऊपर ज़्यादा विश्वास कर पाना अभी संभव दिखाई नहीं दे रहा है। यही सबसे बड़ी वजह है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। 20 से 25 लाख अभ्यर्थी भर्ती का इंतजार तो कर रहे हैं लेकिन अगर देखी जाए मांग को लेकर तो यहाँ से कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर जनवरी के अंत में परीक्षा होती तो आपको लगता है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा? आपकी राय क्या है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है।
एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके परिणाम जारी नहीं हो पाए थे, खासकर वे अभ्यर्थी जिनका 50% से कम था या फिर हाईकोर्ट के आदेश पर उन्होंने यहाँ पर आवेदन किया था। ऐसे में उन छात्रों की तरफ से लगातार PNB से मांग की गई थी कि उनके जो परिणाम है वो कब जारी होंगे। कल PNB सचिव से हुई मुलाकात के क्रम में यहाँ पे अभ्यर्थी से मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुँचे हुए थे। ऐसे अभ्यर्थी जो कि ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भर के आए थे उनके परिणाम अभी तक जारी नहीं हुए थे। तो यहाँ पे PNB सचिव की तरफ से जानकारी दी गई कि उन्होंने जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आपको आवेदन करने का मौका दिया गया था, जब तक कोर्ट का कोई फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक आपका जो परिणाम है वो जारी नहीं किया जाएगा। अगर कोर्ट का अंतिम फैसला आप लोगों के पक्ष में आ जाता है तो आपका जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा, अगर आपके पक्ष में नहीं आता है तो यहाँ से जो आवेदन है वो निरस्त कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में दो चीज़ें आप सभी के सामने क्लियर कर दी गई हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म तो भरा था लेकिन उनका जो आवेदन है करने के बावजूद परिणाम जारी नहीं हुआ है, वो उनको इंतजार करना पड़ेगा जब तक हाईकोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता। अंतिम फैसला आने के बाद ही आपके परिणाम को लेकर जो भी फैसला होगा वो यहाँ से शासन की तरफ से लिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी अपडेट समझ में आ चुकी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।